तमाम न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अफजल कमो, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम दोस्तों को खैर आफियत के साथ रखें। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है मैदे का अल्सर तजाबियत। मैदे का अल्सर और तजाबियत 99% मर्दों ख़वातीन में पाया जाता है, जिससे सीने की जलन, तजा खटेटकार आना और ये सारा कुछ होता है कब्ज़ की वजह से। पेट में दर्द रहना ये भी इसी की वजह से है, मैदे के अल्सर की वजह से। अक्सर लोग खाना थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसका आज मैं आपको घरेलू इलाज बताता हूँ, सस्ता और आसान। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली नई वीडियो को आप तक बार बार पहुँच सके। इसके बाद मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। आपने लेना है केला, केला बनाना। केला सर्द मिजाज उसका होता है और देर हज़म होता है। आपने केला लेना है, कच्चे केले ले लेने हैं तकरीबन कोई 2 दर्जन। उसको छोटे छोटे पीस, जिस तरह चिप्स काटते हैं छोटे छोटे पीस के काट लेने हैं और उसको आपने धूप या छांव में खुश कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने उसका ऊपर जो छिलका होगा वो उतार लेना है। उतारने के बाद जितने केले आपके खुश्क किए होंगे उसके मतबादल आपने उसमें हल्दी डाल लेनी है, सौंफ डाल लेनी है और मलठी डाल लेनी है। ये आपने चारों चीज़ों का सफ़ूब बना लेना है। आधी चमची सुबह और आधी चमची शाम को आपने नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ, मैदे का अल्सर, तजाबियत, खटेटकार आना, मैदे की जलन, मैदे की कमज़ोरी, बदहज़मी, इन सब का आपका मसला जो हल हो जाएगा। ये चीज़ें बना के इस्तेमाल करें, दवाओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह इस नुस्खे से आपके मैदे के तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।